टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियोस को हिंदी में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आप देख सकें वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुजम्मिल और आप देख रहे हैं युवा टेक टीवी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताऊंगा, एक ऐसी सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो आपके एंड्रॉइड फोन में ही छुपी है, जो आपकी एक एप्लीकेशन जो हर कोई एंड्रॉइड यूजर यूज करता है। और हमको क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे फोन की स्टोरेज जो है वो फुल हो जाती है, हमारे मेमोरी कार्ड भी फुल हो जाता है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारे मेमोरी कार्ड या इंटरनल मेमोरी में कुछ है नहीं इतना कि हमारा जो मेमोरी है वो इतना फुल क्यों दिखा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप क्या देख सकते हैं कि वो जो कौन सी चीजें हैं जो आपकी मेमोरी को फुल कर रहे हैं, जो आपके एसडी कार्ड या आपके इंटरनल स्टोरेज को फुल दिखा रहे हैं। अगर आपके इंटरनल स्टोरेज या एसडी कार्ड में ऐसा कुछ है नहीं तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली अपने एमएक्स प्लेयर में जाना होगा। एमएक्स प्लेयर में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो है कोई वीडियो नहीं है इसमें, लेकिन मेरा जो स्टोरेज है वो काफी फुल दिखा रहा है और मैं कुछ डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आप जब एमएक्स प्लेयर में जाएंगे, अगर आपके पास वीडियोज है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो एक्सटर्नल डाटा है, जो ऐसा डाटा है जो आपको पता नहीं है, जो आपको कहीं से दिखाई भी नहीं दे रहा, तो वो डाटा जो है आपकी जो मेमोरी है वो खा जा रहा है। तो आपको सिंपली ये जो ऊपर की तीन डॉट्स आपको दिख रहे हैं इस पे क्लिक करना होगा और सिंपली नीचे जो नेटवर्क स्ट्रीम पहला जो ऑप्शन आ रहा है उसके बाद व्यू आ रहा है और आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन जो लिस्ट है वहां पे जाना होगा। लिस्ट में आपको सबसे नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे जो लास्ट के दो ऑप्शन है, एक रिकॉग्नाइज डॉट नो मीडिया, मतलब इसका मतलब है कि ऐसा मीडिया ये एक्सक्लूड कर रहा है, ऐसा मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा जिसके नाम के पीछे डॉट एंड नो मीडिया लिखा होगा। तो जिसके नाम के पीछे नो मीडिया लिखा होगा तो वो सब वीडियो जो है आपके जो एमएक्स प्लेयर में या आपकी मेमोरी में कहीं से ओपन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इसको टिक किया हुआ है और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स, अगर आपके कोई हिडन फोल्डर्स हैं तो वो भी आपको यहाँ पे शो नहीं होंगे। तो अगर आपने इसको चेक किया है तो आपको जो हिडन फोल्डर्स है वो भी शो हो जाएंगे और जो डॉट नो मीडिया वाला ऑप्शन है इसको आपको अनचेक करना है, क्योंकि हमको वो वाला मीडिया भी देखना है जिसके आगे जो है डॉट नो मीडिया लिखा होगा। अब आपने जैसे देखा कि मेरे जो एमएक्स प्लेयर में कोई वीडियो था नहीं, तो हम अभी बैक जाएंगे। तो बैक में अभी आप देख रहे हैं कि ये जो एक लिस्ट आ रहा है वो अभी मुझे दिखा रहा है कि पहला जो ऑप्शन है उसमें एक वीडियो इसमें भी है, सेंट में दो वीडियोस हैं, यूनिटी एड्स समथिंग इसमें 10 वीडियोस हैं, यूनिटी एड्स इसमें एक और वीडियो है, तो मतलब टोटल 15-16 वीडियोस हो गए। और अगर आपको ऐसा करके यहाँ पे वीडियोस नहीं दिखा रहा है तो आप सिंपली इसको रिफ्रेश कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिफ्रेश होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे फोल्डर्स दिखा रहा है, तो इसमें हम जाएंगे तो इसमें कुछ वीडियो दिखा रहा है, तो इसको प्ले करते हैं। तो प्ले करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एड्स जो नॉर्मली सेव होते हैं ऑटोमेटिकली सेव होते हैं जब हमको डाटा चालू रहता है, तो ये एड्स वाले जो काफी सारे वीडियोस हैं ये डाउनलोड हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी है वो फुल हो जाती है और हमको पता भी नहीं चलता कि ये जो सारा डाटा है ये कहाँ से आ गया। तो एक सिंपल सी सीक्रेट ट्रिक थी जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपना जो डाटा है वो आप इसमें से जो नेसेसरी डाटा है आप रख सकते हैं और ये जो एड्स वाले जो वीडियोस हैं ये आप आराम से डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप काफी सारे वीडियोस जो देख रहे थे अभी फेसबुक की एड कुछ, तो ये सब आप आराम से इसमें से डिलीट कर सकते हैं और आप जो अपनी जो मेमोरी है वो आपको फ्री हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा और आपके फोन पे आपके एमएक्स प्लेयर पे ये ट्रिक ने काम की तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।